आखिर बुलडोजर पर इतना बवाल क्यों? बुलडोजर कार्रवाई की असली कहानी क्या है? बुलडोजर की सच्चाई क्यों छिपा रही है मीडिया? क्या दहशत फैलाने के लिए हो रहा है बुलडोजर का इस्तेमाल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के यहां पत्थर नहीं मारते, ये डायलॉग सटीक बैठता है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने वाले एमसीडी अधिकारी इकबाल सिंह पर। आखिर इनकी चर्चा क्यों हो रही है ये भी आपको जान लेना चाहिए। आज हम बात करेंगे जिनकी शिकायत पर दिल्ली में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन उनके खुद के घर का क्या हाल है ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। आजकल आप मीडिया में केवल बुलडोजर ही देख रहे होंगे, ऐसा लगता है कि इसके अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है। या तो असली समस्याओं से आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, या फिर तमाम मीडिया ने अपना काम ना करने की कसम खा ली है। ऐसा लगता है कि मीडिया ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर डर का माहौल बनाने के लिए काम कर दिया है। राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती पर दंगा भड़का। हिंदू मुस्लिम के बीच हुए इस दंगे ने कब बुलडोजर से बदला लेना शुरू कर दिया ये पता ही नहीं चला। ठीक दंगे के बाद यहां बुलडोजर से कार्रवाई होना प्रशासन का इरादा साफ करने के लिए काफी है कि एक समुदाय के खिलाफ बुलडोजर को अमल में लाया जा रहा है। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अवैध अतिक्रमण हटाने की शिकायत एमसीडी से की और एमसीडी ने तुरंत कानूनी सलाह लिए बिना तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इसके बाद तो शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, करोल बाग, रोहिणी, कंचन कुंज और खड्डा कॉलोनी में बुलडोजर चलाया गया और एक समुदाय इसकी खास चपेट में आया। या यूं कहें कि जहां जहां इस समुदाय की आबादी ज्यादा है वहां वहां एमसीडी ने इनको टारगेट करके बुलडोजर चलाया। इतना हंगामा या फिर इतनी मीडिया को चिल्लाते हुए आपने किसी मौके पर नहीं देखा होगा जितना कि शाहीन बाग में। वहां बुलडोजर तो नहीं चला क्योंकि वहां एमसीडी को अतिक्रमण मिला ही नहीं, ये तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। लेकिन मीडिया ने दिन भर इस मामले को राई का पहाड़ बनाकर दिखाया, ऐसा दिखाया कि आज दिन की सबसे बड़ी खबर यही है। ऐसा लगा जैसे शाहीन बाग में आज ना जाने कितने घरों पर बुलडोजर चलने वाला है। इस बुलडोजर कार्रवाई से एक बात तो साफ है कि इससे मुस्लिम समुदाय खास नाराज है और ये कहने लगा है कि ये कार्रवाई के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय की कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा है। तो वहीं इस पर पीड़ित लोगों का कहना है कि हमें प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया, बस सीधा आकर घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर और दफ्तर पर अतिक्रमण हुआ है, अगर इस पर बुलडोजर नहीं चलाया गया तो बुलडोजर लेकर हम उनके यहां जाएंगे। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की बात कह रहे उनके यहां का क्या हाल है। दिल्ली एमसीडी के पूर्व में रह चुके आदेश गुप्ता के घर के बाहर अतिक्रमण है या नहीं, क्योंकि तमाम चैनलों ने आपको यह दिखाया और वो ना होने का भी दावा किया। वेस्ट पटेल नगर में आदेश गुप्ता के घर के बाहर नाली के ऊपर बना रैंप सड़क तक आ रहा है, सीढ़ियां भी बाहर सड़क तक है, एक बोर्ड भी फुटपाथ पर साफ दिख रहा है जो अपने फोन की स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। अब आपको दूसरी ओर ले चलते हैं जहां जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई करने वाले नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह के घर का क्या हाल है ये भी आप बखूबी देखिए। अतिक्रमण तो इनके घर के बाहर भी है जनाब। नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह का घर विजयनगर इलाके में है, घर के बाहर सीढ़ियां सड़क तक आ रही हैं और बैठने के लिए चबूतरा अलग से बना है। अब ये अतिक्रमण नहीं तो क्या है? आखिर इन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और अगर होगी तो इन पर कार्रवाई कब होगी? अब सवाल ये बनता है कि जब तमाम जगहों पर कार्रवाई हो रही है तो इनके यहां क्यों नहीं हुई? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कब होगी? और इस मामले का इंतजार सभी लोगों को है और सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में कार्रवाई इन पर कब होगी।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।